अब जिस खबर की बात हम कर रहे हैं वो खबर आपकी आंखें खोल देगी और खाकी वर्दी के प्रति इस खबर को देखने के बाद आपके मन में सम्मान बढ़ जाएगा। रेल से गिरे एक घायल शख्स को बचाने के लिए एक पुलिस वाले ने जी जान लगा दी और घायल को कांधे पर लेकर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा रेल की पटरियों पर दौड़ता रहा। आखिरकार इस पुलिस वाले की मेहनत रंग लाई, घायल समय पर अस्पताल पहुंचा और वहां इसका इलाज चल रहा है। अगर सभी पुलिस वाले इस तरह के हो जाएं तो यकीनन सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। भोपाल से डायर 100 को चलती ट्रेन से एक शख्स के गिरने की जानकारी मिली तो एक आरक्षक ने बिना वक्त गंवाए उस जगह पर पहुंचकर घायल को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। आरक्षक जब मौके पर पहुंचा तो उस जगह के आसपास कोई सड़क नहीं थी, वहां से उसने कांधे पर उस घायल व्यक्ति को उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ लगाई। वैसे तो खाकी पर दाग लगने की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन होशंगाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आपका मन भी खाकी को सैल्यूट करने का होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन से गिरे एक शख्स को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस जवान ने किसी का इंतजार नहीं किया, बल्कि घायल शख्स को वो अपने कंधे पर 1.5 किलोमीटर तक लेकर चला और वक्त रहते उसे अस्पताल पहुंचाया। ये वाकया सिवनी मालवा के शिवपुर थाने के पीपल गांव का है। डायल 100 को भोपाल से जानकारी मिली थी कि एक शख्स चलती ट्रेन से गिर गया है। इसके बाद आरक्षक पूनम बिल्लोरे और गाड़ी का ड्राइवर राहुल साकल ने बिना वक्त गंवाए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन मौके पर पहुंचकर उनके होश उड़ गए क्योंकि पटरी के आसपास सड़क नहीं थी। ऐसे में डायल 100 की गाड़ी घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे समय में आरक्षक ने इंसानियत और फर्ज की ऐसी मिसाल पेश की जिसे देखकर हर किसी का मन उसे सैल्यूट करने को करेगा। घायल शख्स का नाम अजीत बताया जा रहा है, उसकी हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।